साथियों आदाब। आज हम पढ़ेंगे पानी की शक्लें। हवा और रोशनी के मानिंद दुनिया में पानी भी एक आम चीज है। समुद्रों और झीलों में भरा पड़ा है। रुए जमीन का 1/3 हिस्सा पानी में पोशीदा है। पहाड़ों से छोटे छोटे नाले, नदियां, सैलाब जारी रहते हैं, वही बाहम मिलजुल कर बड़े दरिया बन जाते हैं। पानी तालाबों और हौजों में भी भरा रहता है। कहीं इसको कुएं खोद कर निकालते हैं, कहीं चश्मों और सूतों से उबलता है। वह हरारत पाकर भाप बन जाता है। आफताब की गर्मी दिन भर तरी और खुश्की को तपाती और पानी को भाप बनाकर हवा में उड़ाती है। जब वह हवा में शामिल होकर नजर से गायब हो जाता है तो हम उसको बुखार कहते हैं। जू जू रात भीगती है, खनकी होती जाती है, इस वक्त पानी का पानी के अंजारे जो हवा में शामिल हैं, किसी कदर दरियाओं, झीलों और घाटियों के आसपास हवा में इर्द इधर रहते हैं और उनको गौर कहते हैं। किस कदर पहाड़ों की चोटियों पर जम जाते हैं, उनको पाला बोलते हैं। मगर पानी की बड़ी मिकदार धनी हुई रुई के पहलू की मानिंद हवा में उड़ती फिरती है। उसको हम बादल या अब्र कहते हैं। तुमने बूढ़ों को जबानी जरूर सुना होगा कि बादल समुद्र से पानी पीकर आते हैं। क्या तुम ख्याल करते हो कि वो कोई जानवर है? यह ख्याल बिल्कुल गलत है। बादल हकीकत में छोटे छोटे कतरे इसी पानी के हैं जिसको तुम पीते और काम में लाते हो। पानी के छोटे कतरे जो अब्र की शक्ल में नजर आते हैं, जब वे बाहम मिलकर मोटे और वजनी होने लगते हैं तो फिर उनका बोझ संभाल नहीं सकते। उस वक्त वो फुहार या बूंदों की सूरत में जमीन पर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसी को हम मीना या बारिश कहते हैं। जब सख्त सर्दी होती है तो पानी जमकर पत्थर के मानिंद हो जाता है। इसी को हम बर्फ कहते हैं। सर्द मुल्कों में जब कड़ाके का जाड़ा पड़ता है तो समुद्र, झील, तालाब, नदी की सतह पर एक तबका बर्फ का बन जाता है। कभी पानी ऊपर ही जम जाता है, जमा जमा या बरसता है। उसको हम ओला कहते हैं। और जब पानी को भाप जम जाती है तो वो पाला कहलाती है। इस बयान को पढ़कर तुम समझ लो कि गर्मी सर्दी की तासीर से पानी की क्या क्या शक्लें बदलता है। भाप, कोहरा, ओस, बादल, ओला, बर्फ, ये सब इसी की शक्लें हैं। क्या कुदरत है खुदा की जो हर एक ही चीज को इतनी शक्लों में जाहिर करता है। इसके बाद ये अल्फाज मानिए, इसे देखते हैं। पानी की शक्लें, सैलाब, पानी की रूह, बुखार, भाप, खनकी, ठंड, अंजारा, जब जमा बुखारे की भापें। इसके बाद शबनम और पोशीदा छुपा हुआ तबका, दर्जा, परत। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। उर्दू में ऐसी मालूमात मिलना मुश्किल है। शुक्रिया।